रीवा के नजदीक नेशनल हाईवे 30 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में बस और ट्रेलर की टक्कर में यूपी के 15 यात्रियों की मौत हो गई, वहीं 40 से ज्यादा यात्री घायल हैं। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हादसे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताते हुए घायलों के संपूर्ण इलाज और मृतकों के पार्थिव शरीर को ससम्मान प्रयागराज भेजने के निर्देश रीवा जिला प्रशासन को दिए। रीवा के सुहागी पहाड़ी पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बस पहाड़ से नीचे उतरते वक्त ट्रेलर से जा टकराई। हादसे के वक्त बस की रफ्तार काफी ज्यादा थी। बस हैदराबाद से गोरखपुर जा रही थी, इसमें 55 से ज्यादा यात्री सवार थे। मरने वालों में ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के हैं। बताया जा रहा है सभी मजदूर हैं और ये दीपावली मनाने अपने घर लौट रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि 4 से ज्यादा लोग बस के आगे हिस्से में फंस गए। इनके शवों को जेसीबी से काट कर बाहर निकालना पड़ा। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय रीवा जिला प्रशासन से निरंतर संपर्क में है। रीवा जिला प्रशासन के अधिकारी प्रयागराज जनपद के आला अधिकारियों से संपर्क कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देर रात रीवा जिले में हुए सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया है। शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर चर्चा की और उन्हें इस हादसे से अवगत कराया। वहीं मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने घटना को लेकर कहा कि यह घटना दुखद है। उन्होंने कहा घायलों का प्रदेश सरकार इलाज कर रही है। रीवा में त्योंथर के पास सुहागी ढलान पर बहुत दुखद दुर्घटना हुई। लगभग रात के 11 बजे एक्सीडेंट हुआ और जैसे ही घटना का पता चला, मध्य प्रदेश का जिला प्रशासन, कलेक्टर, एसपी सहित पूरा अमला राहत और बचाव के काम में लग गया। हमारे प्रशासन ने लोगों को वहां से निकाला, जो घायल थे उनको अस्पताल में पहुंचाया। घायलों का इलाज संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में हम करा रहे हैं। उपचार पूरा निःशुल्क होगा, लेकिन मुझे कहते हुए बहुत दुख है कि लगभग अभी तक की जो जानकारी, 15 लोगों को नहीं बचाया जा सका, उनका दुखद निधन इस दुर्घटना में हो गया। उनके पार्थिव शरीर अभी त्योंथर में सुरक्षित रखे गए हैं और उनके प्रयागराज इलाहाबाद भेजने की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी घटना की मैंने आज सवेरे पूरी जानकारी दी थी। जो घायल हैं उनका निःशुल्क इलाज किया जा रहा है और जो नहीं बचे लोग, उनको, उनके पार्थिव शरीर को हम उत्तर प्रदेश भेज रहे हैं। उत्तर प्रदेश का प्रशासन भी सजग और सक्रिय हैं। उनके भी डीएम अब त्योंथर पहुंच गए हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जो बेहतर राहत और बचाव के काम हो सके वो हमारे प्रशासन ने करने की कोशिश की है। इस घटना में जो हमारे भाई बहन नहीं बचाए जा सके, उनको, उनके परिवारों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी देंगे। जो घायल हैं उनमें से कुछ की छुट्टी हो गई है, इलाज निःशुल्क कर ही रहे हैं, लेकिन 10-10 हज़ार रुपये की राशि उनको भी दी जाएगी। और दुख की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार पीड़ित परिवारों के साथ। रात्रि में 11-12 के आसपास जो सुहागी पहाड़ी, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर है, जो बस दुर्घटना हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सबको उसका बहुत दुख है। एक बस यात्रियों से, बस उत्तर प्रदेश की बस थी जो हैदराबाद से गोंडा की तरफ जा रही थी। रात्रि में जो ट्राला खड़ा था, वो ट्राले में हादसे की शिकार हुई है। बताया गया कि वो ट्राला भी उत्तर प्रदेश की का ही था और उसमें करीब अभी तक 14 लोगों की मरने की पुष्टि प्रशासन द्वारा की गई है। जो अस्पताल में हैं, घायल हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है, इलाज करा रही है। लगातार मैं रात से ही संपर्क में हूँ और हमारे कलेक्टर, एसपी वहाँ लगे हुए हैं। परिवहन विभाग पूरी तरीके से सचेत सेवाएं दे रहा है। हमारा पहला ये भी कर्तव्य है कि हम जो लोग घायल हैं उनको अच्छे से अच्छा इलाज दिलाएं, अच्छे अच्छे इलाज की व्यवस्था उनको करवा रहे हैं ताकि वो बच सकें
और जो हमारे बीच नहीं रहे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके लिए हम परिवहन विभाग के द्वारा उनके लिए उनके ही घर द्वार की व्यवस्था कर रहे हैं। आधार कार्ड के द्वारा उनकी पहचान भी की गई है, कई लोगों को पहचानने में दिक्कत हो रही थी। लगातार सरकार संपर्क में है, मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान में लिया है और बात की है। हम सब लोग इस घटना से बहुत दुखी हैं। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि बस की रफ्तार ज्यादा होने से यह ट्रेलर में घुस गई थी, इससे बस के केबिन और फ्रंट सीट पर बैठे यात्रियों की मौत हुई है। 40 घायल यात्रियों को संजय गांधी अस्पताल में भेजा गया है। सही है, और रात में ही हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, 11:30 से 12 बजे के बीच की इंसिडेंट था। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि बस को उस हाईवे से बाहर कैसे किया जाए, क्योंकि लगभग 6-7 फीट वो अंदर चली गई थी और उसमें ड्राइवर और क्लीनर जो थे उनकी भी डेथ हो गई थी। हम लोगों ने विशेष प्रयास करके आसपास के इलाकों से क्रेन और जेसीबी बुलाई थी। फिर जो हाईवा था उसमें बहुत सारा गिट्टी भरा हुआ था, जिसके कारण इतना हेवी था कि उसको मूव करना बड़ा मुश्किल था। तो हाईवा के पार्ट को तोड़ के और उस गिट्टी को पहले अनलोड किया गया, और अनलोड करने के बाद फिर उसको खींचा जा सका, जिसके बाद कि वो डेड बॉडी बाहर का सकी। लेकिन इस बीच में हम लोगों ने दरवाजे और खिड़कियों को तोड़ के और सभी घायलों को निकाल के और त्योथर अस्पताल भेज दिया था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।